पांचवें चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। सोमवार को मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें रीवा, सतना, टीकमगढ़, होशंगाबाद और बैतूल सीटें शामिल हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज रीवा पहुंचे। यहां पर गोविंदगढ़ में उनकी सभा हुई। अमित शाह जहां भाजपा उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा के प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, यहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी से है। इस मौके पर भाजपा अमित शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के नाते 8 विधानसभा में जीत को लेकर आभार प्रकट करने आया हूं। वहीं देश में हर तरफ मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। देश के 125 करोड़ लोग मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 8 करोड़ शौचालय बनवाए, 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए। वहीं गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान योजना लाए। इस योजना के जरिए 24,25,000 लोगों का ऑपरेशन करवाया गया, उन्हें अच्छा इलाज मिला है। भाजपा ने कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा राशि मध्य प्रदेश को दी है।